हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं साया आप लोगों के साथ कुछ घर की बातें शेयर करूंगी। और अभी घर पे मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ अकेले। और मैंने सोचा कि घर वालों को थोड़ा सा सरप्राइज दूँ, क्योंकि मैं घर पे कुछ भी नहीं बनाते, ऐसे तो मम्मी ही सब बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जिससे मामी को पसंद आए। तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसको थैंक यू सो मच। और जो लोग ने नहीं किया वो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे मेरे चैनल पे। तो तब तक के लिए देखते रहिए। और चलिए उस कट में क्या बनाने लायक है और क्या बनाती हूँ। वैसे तो मम्मी को कुछ भी खाने का इतना शौक नहीं है, तो मैं अभी पीठा बनाऊंगी आटे का ही। मैं ये देखिए, फिर में है नारियल, आप लोग देख सकते हैं, नारियल और शुगर मिक्स करके ये है। और अभी मैं रोटी बेलती हूँ, उसमें क्या क्या करती हूँ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो वीडियो तो लास्ट तक देखते रहना। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा भुना हुआ है, अभी मैं ये इसे बेल लेती हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ आप लोगों को। ये सारा रोटी बन लिया, ये देखिए इतना वो नहीं हुआ है, फिर भी ट्राई किया है और ट्राई इज द बेस्ट। तो अभी मैं क्या कर, आप लोग देखिए अभी एक ये रोटी लेती हूँ और उसके ऊपर ये देखिए जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था सेनी और कोकोनट, ऐसे दीजिए। और ये रोटी सारों ओर मोड़ दीजिए, जैसे मोमो बनाते हैं ना उसी तरह से। ये रोटी कोकोनट मोमोस आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ये देखिए मैं ऑयल गर्म होने के लिए दिया हूँ और अभी इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तब केक के लिए देखते रहना। यहाँ पे देखिए ये तेल लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बदल दिया। ओह माय गॉड, इतना सुंदर लग रहा है देखने से। देखिए फ्रेंड्स, कोकोनट मोमो रेडी। देखिए अभी ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन खाने के बाद ही, मम्मी लोग खाने के बाद ही पता चल गया कैसा हुआ है। और अभी देखिए बेसन वगैरह सब ये बेलना मैंने बहुत ही गंदा कर दिया है, अभी इसे धोती हूँ और फिर आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, अभी मेरा किचन का काम खत्म और सब साफ सुथरा कर लिया है, क्योंकि मम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि किचन बहुत ही गंदा कर देने से। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और रेसिपी कैसा लगा आप लोग भी घर पर ट्राई करना। और इतना कष्ट किया है तो उसके लिए तो लाइक बनता है, तो एक बार लाइक कर देना। और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बाय बाय, लव यू।